SAK कन्वेंशन हॉल, हर फंक्शन होगा खुशहाल। जी हाँ, शहर का सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार हाईटेक AC फंक्शन हॉल SAK कन्वेंशन हॉल, IB अपोजिट रोड, शेखर नगर, रायचूर। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, जीरो साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, शांति कॉलोनी आखिर कब डेवलप होगी। रायचूर शहर के कई रोड बन रहे हैं, मगर वार्ड नंबर 5 की शांति कॉलोनी, जहां की एक एक प्लाट 20 से 25 लाख रुपए में खरीदो फरोख्त की जाती है, जो कई स्कूलों के बीच है, कई डेवलपमेंट कॉलोनी के बीच है, मगर अफसोस के आज तक शांति कॉलोनी में कोई काम नहीं हो रहा है। जब भी बारिश होता है तो जाना आना भी दुश्वार हो जाता है। वहीं के साकिनान और रजिया पटेल जैसे सोशल वर्कर अपने जाती पैसों से वहां पर काम करते हैं, मगर अफसोस के MLA के घर के करीब ये कॉलोनी आज तक बल्दिया के काउंसलर की भी इस पर नजर नहीं, जबकि बल्दिया में मोटेशन के लिए डेवलपमेंट फीस, बेटरमेंट फीस, मोटेशन फीस और प्लाट की सालाना टैक्स भी लिया जाता है, मगर इन कॉलोनियों पर तवज्जो भी नहीं दी जाती। वार्ड नंबर 5 शांति कॉलोनी के साकिनान ने इससे खबर भी बल्दिया कमिश्नर को ये बात बताई थी, मगर अफसोस के यूं समझिए कि बल्दिया के कमिश्नर को दूर दूर तक डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि वो अपने दफ्तर में भी नजर नहीं आते। आखिर लोग अपनी बात सुनाए तो किसे। आज भी वैसे ही हुआ कि शांति कॉलोनी के साकिनान जब बल्दिया दफ्तर पहुंचे तो बल्दिया दफ्तर में कमिश्नर फिर नजर नहीं आए। बल्दिया के जो जिम्मेदार हैं, बल्दिया मैनेजर को अपनी दास्तान सुनाकर उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने मुतालिबा किया कि शांति कॉलोनी की रोड, ड्रेन, UGD, स्ट्रीट लाइट जल्द से जल्द बनाई जाए, और इसी तरह जिला डिप्टी कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम पेश किया गया। अब देखें आखिर ये काम होगा या नहीं। इस मौके पर मोहम्मद इरशाद, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेवा संघ के सिटी सदर, और गुलाम यजदानी, साजिद, तबरेज, वसीम, फारूख, आजम, मजरुद्दीन के अलावा शांति कॉलोनी के साकिनान भी मौजूद थे। रोड का और डैमेज का वार्ड नंबर 5 में शांति कॉलोनी में प्रॉब्लम है। 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, 6 महीने से UGD का प्रॉब्लम है। रोड पे बीमारी आ रहे, पब्लिक को आने जाने प्रॉब्लम हो रहा, 2-3 एक्सीडेंट हो गए, 2-3 जना के हार पैर टूट गए से। 6 महीने वहाँ नवंबर से फॉलो कर रहे, जनवरी में तुम हमारे को ये डाल के दे, तुम बोल को बोले UGD का करा के दे, तुम बोले वो भी नहीं हुआ। और स्ट्रीट लाइट तो 0 फैसिलिटी है। रोड जहाँ डालना है, जो मेन रोड है वो नहीं डाल रहे, गाँव जहाँ गलिया में रोड डाल रहे। हमारा कंप्लेंट लेटर दिए, इसके बाद इंक्वायरी नहीं हुई बोले तो आगे धरना प्रदर्शन देना चाहते हैं। पर कहीं पर भी कोई चीज़ की जो है ना मुंसिपलिटी की तरफ से इंतजाम नहीं है, वहाँ पे ना कोई सफाई हो रही है। UGD का लाइन ब्लॉक हो के जनवरी पिछले 4 महीने से लाइन ब्लॉक है, पूरा रोड पे पानी आ रहा है, और वहाँ पे ना रोड की फैसिलिटी है, रोड भी डाला जा रहा तो कहीं और डाला जा रहा, और मुंसिपलिटी की तरफ से ना कोई एक्शन लिया जा रहा। हम पिछले 3 महीने से मुंसिपलिटी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कोई यहाँ पे एक्शन लेने वाला नहीं है। आज हम जब वहाँ पे मिलने के लिए अफसरान को आए हैं तो यहाँ पे मौजूदा कोई नहीं रहने की वजह से हम हमारे जो मैनेजर साहब हैं उनको हम सब्जेक्ट में लाए हैं। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮೇನ್ UGD ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೂ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲೇನೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಧರಣಿ ಕುಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ UGD ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅವರು ಕಸ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಸದನ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड